दोस्तों, जैसे कि आपसे मैंने वीडियो के थंबनेल में भी दोस्तों देख ही लिया होगा, बड़ी खुशखबरी है दोस्तों आप सभी के लिए। अब सिर्फ दोस्तों आप लोग आधार कार्ड की मदद से दोस्तों पेटीएम को चला सकते हैं, बना सकते हैं। पहले दोस्तों क्या होता था कि हम लोग को जो है आधार कार्ड से दोस्तों चलाने के लिए हम लोग भीम एप्लीकेशन का यूज़ करते थे, यानी कि हम लोग अदर एप्लीकेशन का यूज़ करके दोस्तों तब जा करके हम लोग अपना UPI पिन को दोस्तों बना पाते थे। लेकिन दोस्तों आप लोग को जो है कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब आपको पेटीएम के अंदर ही दोस्तों आधार कार्ड से दोस्तों आपको जो है पेटीएम अकाउंट बनाने का दोस्तों ऑप्शंस आ चुका है, अपडेट आ चुका है। जैसे कि मैंने आपको थंबनेल में भी दोस्तों लिख के रखा है, बड़ी खुशखबरी आप सभी पेटीएम यूज़र के लिए। तो किस तरीके से दोस्तों काम करेगा और किस तरीके से हम आधार कार्ड से दोस्तों UPI पिन को सेट करेंगे और पेटीएम अकाउंट दोस्तों किस तरीके से हम आधार कार्ड से बनाएंगे, इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इसी चीज़ के बारे में सीखने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप भी पेटीएम अकाउंट बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आधार कार्ड से पेटीएम अकाउंट बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को दोस्तों आप बिना स्किप किए एंड तक देखना, तभी जाकर के दोस्तों आपको पूरी जानकारी पता चल पाएगा और तभी जाकर के आपको पता चलेगा दोस्तों कि किस तरीके से आखिर हम लोग आधार कार्ड से पेटीएम अकाउंट बना सकते हैं, किस तरीके से उसे मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से बैंक अकाउंट जोड़ेंगे और विदाउट ATM कार्ड किस तरीके से हम लोग पैसा चेक करेंगे, बैंक अकाउंट किस तरीके से जोड़ेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको प्ले स्टोर में आना है और आपको पेटीएम एप्लीकेशन लिख करके दोस्तों आपको सर्च करना है और सबसे पहले आपको इसे अनइंस्टॉल कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों अनइंस्टॉल कर देना है। अब यहाँ पर मैं अनइंस्टॉल इसलिए करने के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर दोस्तों आप लोग अनइंस्टॉल नहीं करोगे तो आपको मैं बता दूँ आधार कार्ड से दोस्तों आप लोग पेटीएम अकाउंट नहीं बना पाओगे, आप दोस्तों ओल्ड वर्जन में रह जाओगे। तो आपको डिलीट कर देना है और आपको लेटेस्ट वर्जन का दोस्तों पेटीएम एप्लीकेशन डाउनलोड होना चाहिए, तभी जा करके दोस्तों आप लोग आधार कार्ड से पेटीएम चला सकते हैं। तो वो आपको कहाँ से मिलेगा चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों पेटीएम एप्लीकेशन डाउनलोड करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस तरीके का दोस्तों लाइक का बटन दिख रहा होगा और सब्सक्राइब का बटन दोस्तों दिख रहा होगा। आप लोग से दोस्तों हम लोग इस तरीके का अपडेट देते हैं, तो कुछ भी दोस्तों हम लोग आप लोग से दोस्तों कुछ भी नहीं मांगते। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करके दोस्तों ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर दोस्तों जो लिख के आ रहा आधार कार्ड से पेटीएम कैसे चलाएं इस पर क्लिक करना है। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको पेटीएम ऐप लिंक मिलेगा, इस पर दोस्तों क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको पेटीएम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर डायरेक्ट प्ले स्टोर में दोस्तों डायरेक्ट ये आपको लेकर के आ जाएगा और यहाँ से दोस्तों आपको जो है पेटीएम एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, तब जाकर के दोस्तों हम लोग आधार कार्ड से दोस्तों बना सकेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं डाउनलोडिंग जो है स्टार्ट हो चुका है और डाउनलोडिंग दोस्तों स्टार्ट होने के बाद इसे हम 100% डाउनलोड होने देते हैं। उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं किस तरीके से UPI पिन बनाना है, किस तरीके से सेट करना है, सारा चीज़ दोस्तों हम सीखेंगे इस वीडियो में। एंड दोस्तों डाउनलोड होने के बाद आपको ओपन बटन में क्लिक करना है और आपको दोस्तों अपना मोबाइल नंबर डाल करके लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर उसी मोबाइल नंबर को डालना है जिस मोबाइल नंबर से दोस्तों आपके बैंक अकाउंट के साथ दोस्तों जो मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा, यानी कि जो आपने अकाउंट ओपन करवाया है, खाता खुलवाया है जो भी बैंक में, जो आपने मोबाइल नंबर दोस्तों वहाँ पर दिया है उसी मोबाइल नंबर से आपको पेटीएम ऐप को लॉगिन करना है। तो चलिए पहले मैं लॉगिन करके उसके बाद दोस्तों आगे का प्रोसेस हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ, आपको भी लॉगिन कर लेना मोबाइल नंबर डाल के। फाइनली दोस्तों आपका पूरी तरीके से दोस्तों पेटीएम ऐप जो है लॉगिन हो चुका है और लॉगिन होने के बाद दोस्तों आप लोग हम लोग का जो यहाँ पर दोस्तों जो काम होने वाला है वो सबसे पहले बैंक अकाउंट जोड़ने का होने वाला है। बैंक अकाउंट जोड़ेंगे दोस्तों, उसके बाद ही दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो है UPI पिन को सेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बैंक अकाउंट को जोड़ने के लिए आपको यहाँ पर एक प्रोफाइल ऑप्शन दिख रहा होगा, जहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके का गोला गोला जहाँ पर दोस्तों टाइम दिख रहा है उसी प्रोफाइल में आपको क्लिक करना है और आपको दोस्तों थोड़ा सा नीचे एक्सप्लोर करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा, देख सकते हैं UPI पेमेंट सेटिंग्स, और यहाँ पर दोस्तों आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं ऐड बैंक अकाउंट, यानी कि दोस्तों आपको जो है अपना बैंक अकाउंट को आपको लिंक करना होगा, जोड़ना होगा, तभी जा करके दोस्तों हम आधार कार्ड से सेट कर पाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों हम बैंक अकाउंट ऐड बैंक अकाउंट में क्लिक करेंगे, आपको भी बैंक अकाउंट को जोड़ने के लिए यहीं पर क्लिक करना है। एंड दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आपका कौन सा बैंक अकाउंट है, मैंने आपको फर्स्ट में ही बता दिया था दोस्तों कि आपके बैंक अकाउंट के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा, यानी कि आपके पास जो भी बैंक अकाउंट होगा, हो सकता है दोस्तों आपका, आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपका दोस्तों कौन सा बैंक अकाउंट है, यानी कि आपका पंजाब नेशनल बैंक होगा तो आप नीचे मुझे कमेंट कीजिएगा, अगर दोस्तों आपका स्टेट बैंक होगा तो कमेंट कीजिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा होगा तो कमेंट कीजिएगा, जो भी बैंक अकाउंट आपका होगा दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर SBI होगा तो लिख दीजिएगा SBI, बैंक ऑफ इंडिया होगा तो लिखिएगा बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि जो भी बैंक अकाउंट आपका होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ताकि दोस्तों मैं पता कर सकूँ आप लोग कितने यूज़र जो हैं, कौन कौन से बैंक वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बैंक जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, तो हम यहाँ पर दोस्तों सर्च करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और दोस्तों यहाँ पर इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरीके का वेरिफिकेशन लिया जाएगा और इस तरीके का दोस्तों वेरीफाई होकर के आ जाता है। अब आने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं
मेरा UPI पिन जो है दोस्तों ऑलरेडी पहले से सेट है, तो यहाँ पर मुझे दोस्तों चेंज का ऑप्शन मिल रहा है, तो हम यहाँ पर दोस्तों चेंज में क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके का दोस्तों यूज़, यानी कि दोस्तों यूज डेबिट कार्ड और यहाँ पर दोस्तों यूज आधार कार्ड। अब यहाँ पर दोस्तों आधार कार्ड का ऑप्शन आ चुका है जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट में ही बता दिया था, तो हम आधार कार्ड को चूज़ करेंगे। आधार कार्ड को दोस्तों चूज़ करने के बाद यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस को दोस्तों एक्सेप्ट करेंगे जैसे कि यहाँ पर, और एक्सेप्ट करने के बाद प्रोसीड में क्लिक करेंगे। आपके पास दोस्तों इस तरीके का इंटरफेस आ चुका है, आप देख सकते हैं दोस्तों इंटर योर फर्स्ट 6 डिजिट आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर मांगा जा रहा है, यानी कि दोस्तों ATM कार्ड का नंबर नहीं मांगा जा रहा है। तो आपके पास दोस्तों मैंने आपको बताया था आपका जो भी बैंक अकाउंट होगा दोस्तों आपको यहीं से पता चलेगा कि आपको आधार कार्ड का ऑप्शन मिला है या नहीं मिला है, तो मुझे मिल चुका है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, तो आपको भी इसी तरीके से डाल देना है। तो यहाँ पर चलिए आधार कार्ड का 6 डिजिट डाल के यहाँ पर प्रोसीड में क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको भी इसी तरीके से डाल देना है। डालने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर दोस्तों OTP आएगा, देख सकते हैं OTP आ चुका है दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों आपके सामने इस तरीके का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। आए दोस्तों वेरिफिकेशन होने के बाद देख सकते हैं आपके पास दोस्तों इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, बैंक की तरफ से दोस्तों OTP आएगा, OTP डाल के आपको OTP जो ऑटोमेटिक लगेगा इस पर क्लिक करना है। एंड दोस्तों आपको जो यहाँ पर बैंक की तरफ से दोस्तों अब आपको 6 अंक का OTP भेजा जाएगा, OTP दोस्तों यहाँ पर डालेंगे, और डालने के बाद दोस्तों यहाँ से UPI पिन को सेट कर लेंगे। जैसे कि दोस्तों मैंने ऑलरेडी पहले से ही सेट करके रखा हुआ, तो आप लोग दोस्तों यहाँ से सेट कर सकते हैं जो तरीका मैंने आप सभी को दिखाया। उम्मीद करते दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आ गया, दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो।